Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope आपने अपनी जो education है online से जुड़ गए होंगे और अपनी study को भी start कर दिया होगा. तो previous video में class 4th के students के लिए हमने देखा था heart. Our internal organs में heart के बारे में discuss किया. हर्ट कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस रहती है, कौन सी उसके अंदर पार्ट्स रहते हैं. ओके, आज हम उससे आगे लंग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, देखिए पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए, क्लास फोर्थ के सभी स्टूडेंट्स. लंग्स, अब लंग्स आपने सुने होंगे, किसे कहते हैं लंग्स? फेफड़ों को. जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के समय जो एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है वो कलेक्ट कहाँ होती है? इन्हीं लंग्स के अंदर कलेक्ट होती है. एंड इस लंग्स में कलेक्ट होने के बाद जो हमारे ऑर्गन्स है वो ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं. ओके, देखिए ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर है जे पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स. जो ह्यूमन बॉडी है, मानव के शरीर में पेयर मीन्स होता है जोड़ा ऑफ स्पॉन्जी. स्पॉन्जी मीन्स आपने देखा एक गद्दी सी होती है जिसमें पानी सोख लिया जाता है, पानी में डालने पर वो पानी सोख लेती है, ऐसी होता है. इसी टाइप के हमारे ऑर्गन्स होते हैं, तो एक जोड़ा होता है ऑर्गन्स का जो क्या कहलाता है, कॉल्ड लंग्स कहलाता है. ये बात ओके. ये क्या करते हैं, जैसे ही हमारे ऑक्सीजन हमारे एयर अंदर जाती है तो ये बड़े हो जाते हैं. यानी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही हम ब्रीद बाहर निकालते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं. फिर जैसे हम ब्रीद अंदर लेते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं एंड बाहर निकालते हैं छोटे. तो इनकी साइज क्या करती रहती है? इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है. दे डू द मेजर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन. इनका महत्वपूर्ण कार्य उनका डू करते हैं मेजर फंक्शन. महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रेस्पिरेशन, यानी श्वसन कार्य करना इनका महत्वपूर्ण कार्य है. ओके, लंग्स आर लोकेट ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट. लंग्स हैं वो हमारे हार्ट के दोनों तरफ स्थित होते हैं. लोकेट में स्थित होते हैं आइदर साइड, यानी दोनों तरफ हार्ट के, इधर उधर दोनों तरफ. द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज व्हेन द एयर फ्लो इनटू देम. मैंने अभी बताया वॉल्यूम, जब भी हवा का आयतन, जो हवा भरती है लंग्स के अंदर, इंक्रीज बढ़ जाती है. व्हेन, जब जो लंग्स का वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाता है. कब? व्हेन, जब द एयर फ्लो इनटू देम, जब वायु इनके अंदर भर जाती है. जब आप श्वसन करते हो, ब्रीद लेते हो अंदर, तो ये बड़े हो जाते हैं, इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. एयर फ्रॉम नोज रीचेज, एंड एयर है वो फ्रॉम नोज रीचेज, यानी नाक से रीच, यानी पहुंचती है द लंग्स विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप. नाक से होकर के लंग्स तक किसकी मदद से पहुंचती है? हेल्प ऑफ विंड पाइप, श्वसन नली. ये जो विंड पाइप दिख रहा है, नाक से होकर ये विंड पाइप से कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है. द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन मिक्सेज अप विद द ब्लड. जो एयर है वो कंटेनिंग ऑक्सीजन, एयर के अंदर से जो ऑक्सीजन है मिक्सअप मिल जाती है विथ द ब्लड. किसके साथ? ब्लड के साथ. जो उसमें से ऑक्सीजन है ना एयर से, वो हमारे किससे मिल जाती है? हमारे ब्लड में मिल जाती है. एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड ट्रांसपोर्ट यानी और पहुंच जाती है कहाँ? वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स पर, और बॉडी यानी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुँच जाती है. The different organs of the body release energy from food by using oxygen. और जो अलग अलग organs होते हैं और body शरीर के release छोड़ते हैं या प्रदान करते हैं energy ऊर्जा को from food by using oxygen. फूड से एनर्जी प्रदान करते हैं किसको? ऑक्सीजन के यूज के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया कहलाती है. आप ब्रीदिंग सिस्टम जो करते हो वो कहलाती है. ओके, अगला है हमारा स्टोमच. स्टोमच हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था. डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमच का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं स्मॉल एंड लार्ज, जो हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं. देखिए
Stomach is the internal organs related to the digestive system of the body. जो stomach है वो internal आंतरिक अंग है, related जुड़ा रहता है to the digestive system of the body. किससे? शरीर के digestive system से जुड़ा हुआ रहता है. It is a hollow bag. यह एक hollow bag के मतलब थैले नुमा संरचना होती है in the abdomen. मानव का पेट एक थैले नुमा संरचना है जिसके अंदर सब कुछ भरा जाता है. The food भोजन that we eat is stored in the stomach. जो भोजन आप खाते हो ना वो कहाँ पर संग्रहित होता है, कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है? हमारे स्टोमच यानी पेट में. ओके. द डाइजेस्टिव जूस पाचन रस प्रेजेंट इन द स्टोमच. हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस पाचन रस होता है. ब्रेक अप द फूड इंटू टिनी पार्टिकल्स जो कि हमारे भोजन के डाइजेशन में डाइजेशन करके पार्ट्स उसको भोजन को फूड को छोटे छोटे टिनी पार्टिकल छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है. द स्टोमच इज जॉइंड टू ए लॉन्ग ट्यूब. जो पेट है स्टोमच जॉइंट जुड़ा रहता है एक लॉन्ग ट्यूब लंबी नली से. जो आपको दिख रही होगी लंबी नली, ये स्टोमच है, ये लंबी नली दिख रही है उससे. एज स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या कहलाती है, छोटी आंत कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन. विच इज ए फर्दर अटैच टू ए वाइडर ट्यूब नॉन एज ए लार्ज इंटेस्टाइन. जो आपको ये येलो कलर की दिख रही है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये ग्रीन और रेड वाली ये आपके कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन. बीच जो कि फर्दर जुड़ी रहती है, फर्दर यानी अगली अटैच अगली से जुड़ी होती है टू ए वाइडर टू चौड़ी नली, आपको चौड़ी नली से जुड़ी हुई दिख रही है नॉन एज लार्ज इंटेस्टाइन. जो क्या कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है. डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टोमच और हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किस में होती है, कंप्लीटली स्टोमच के अंदर ही होती है. ओके. आपको ये टॉपिक समझ में आया, ये चैप्टर समझ में आया होगा. आप इसकी एक से दो बार रीडिंग करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से कांटेक्ट करें. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.